हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ ए 3D क्यूब. सो लेट्स वी स्टार्ट. क्लास इज फर्स्ट, सब्जेक्ट इज ड्राइंग. ओके, हेडिंग डालेंगे बेटा क्यूब, 3D क्यूब, 3D क्यूब. डियर स्टूडेंट्स, आपको एक पेंसिल इरेजर एंड आपको एक स्केल साथ में रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्केल से स्क्वेयर की पिक्चर बनानी है. ओके, इस तरह से बेटा आप एक स्क्वायर की पिक्चर बनाएंगे. उसके बाद सेम आप इधर भी नीचे की साइड आप एक और स्क्वायर की पिक्चर बनाएंगे. ओके, इतना करने के बाद बेटा आपको इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक लाइन को ड्रॉ करते हुए टच कर देना है. इस तरह से फिर जो अंदर का कॉर्नर है, अंदर के कॉर्नर को बेटा आप यहाँ तक टच करेंगे. ओके, उसके बाद बेटा आपको जो इधर के कॉर्नर है, इस इन कॉर्नर को बाहर के कॉर्नर को बाहर से ही दूसरे सेकंड जो क्यूब बनाया हुआ है उसको उस पर टच कर देना है. इस तरह से. ओके, फिर लास्ट में जो हमारा बचा हुआ है, अब इस कॉर्नर को आप ऐसे टच करें. ओके, लाइनों को थोड़ा डार्क करें. बेटा आपका 3D क्यूब रेडी हो चुका है. ओके, उसके बाद आपको कोई भी कलर लेन, ब्लैक कलर लेकर पहले इसकी आउटलाइन कर लेनी है. आउटलाइन करने के बाद इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट कलर लगे वो कलर इसके अंदर आपको फिल कर देना है. आपका क्यूट सा 3D क्यूब रेडी हो जाएगा. ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सीमा मैम, टीचर ऑफ फर्स्ट क्लास. सो स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड मैथ्स. सो आवर टॉपिक इज नंबर्स नेम 31 to 40. ओके, इन द लास्ट वीडियो वी डिड कंप्लीटेड नंबर्स नेम 21 to 30. सो स्टूडेंट, मेंशन योर हेडिंग एन यू एम बी ई आर एस नंबर्स एन ए एम ई नेम 31 to 40. ओके, नंबर्स नेम 31 to 40. सो लेट स्टार्ट. 31 टी एच आई आर टी वाई 30 ओ एन ई वन 31 टी एच आई आर टी वाई 30 ओ एन ई वन. नेक्स्ट 32 टी एच आई आर टी वाई 30 टी डब्ल्यू ओ टू 32. नेक्स्ट 33 टी एच
IRTY 30, THRWE 3, 30, 3, next, 34, THIRTY 30, FOUR 4, 34, next, 35, THIRTY 30, FIVE 5, 35, next, 36, THIRTY 30, SIX 6, 36, next, 37, THIRTY 30, SEVEN 7, 37, next, 38, THIRTY 30, EIGHT 8, 38, next, 39, THIRTY 30, NINE 9, 39, next, 40, FORTY 40, से रिपीट करेंगे, 31, THIRTY 30, ONE 1, 31, next, 32, THIRTY 30, TWO 2, next, 33, THIRTY 30, THRWE 3, 33, next, 34, THIRTY 30, FOUR 4, 34, next, 35, THIRTY 30, FIVE 5, next, 36, THIRTY 30, SIX 6, 36, next, 37, THIRTY 30, THIRTY 30, SEVEN 7, 37, next, 38, THIRTY 30, THIRTY 30, EIGHT 8, 38, next, 39, THIRTY 30, NINE 9, 39, last, 40, FORTY 40. So, thank you. Good morning, students. I am Seema ma'am, teacher of first class. So, dear friend, today we will read GK. So, our topic is question answer. So, with an answer your heading, question answer, Q-U-E-S question, A-N-S answer. Okay, so let's start. Question number one is our... What WHAT word IS is what is the color COLOUR color of brinjal 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 what is the color of brinjal तो brinjal का color कैसा होता है बेटा purple 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 what is the color of brinjal तो brinjal का color बेटा हमारा कौन सा होता है purple 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 okay so next question है where is WHERE where IS is where is golden 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 where is golden TEMPLE temple where is golden temple situated 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 where is golden temple situated
आंसर आएगा बेटा हमारा अमृतसर, AMRITSAR अमृतसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेस्टिवल WHICH विच फेस्टिवल FESTIVAL फेस्टिवल विच फेस्टिवल इज KNOWN नोन एज विच फेस्टिवल इज नोन एज लाइट LIGHTS लाइट्स। लाइट्स का हमारा कौन सा फेस्टिवल होता है बेटा? दिवाली DIWALI दिवाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 विच पार्ट WHICH विच PART पार्ट विच पार्ट ऑफ ए प्लांट PLANT प्लांट GROWS ग्रोस अंडर UNDER अंडर द THE द GROUND ग्राउंड विच पार्ट ऑफ द ऑफ प्लांट ग्रोज अंडर द ग्राउंड। तो आंसर आएगा हमारा ROT रूट। विच पार्ट ग्रोज अंडर द ग्राउंड? रूट ROT रूट। सो रिपीट करेंगे WHAT वर्ट IS इज THE द COLOUR कलर। वट इज द कलर OFO BRINJAL ब्रिंजल। वट इज द कलर ऑफ ब्रिंजल? सो आंसर है हमारा PURPLE पर्पल। ब्रिंजल का कौन सा कलर होता है बेटा? पर्पल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है WHERE वेयर IS इज GOLDEN गोल्डन TEMPLE टेम्पल। वेयर इज गोल्डन टेम्पल? SITUATED सिचुएटेड। गोल्डन टेम्पल कहाँ पे स्थित है बेटा? अमृतसर AMRITSAR अमृतसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है WHICH विच FESTIVAL फेस्टिवल। विच फेस्टिवल IS इज KNOWN नोन ASLIGHTS लाइट्स। तो लाइट्स का हमारा कौन सा फेस्टिवल होता है बेटा? दिवाली DIWALI दिवाली। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है WHICH विच PART पार्ट ऑफ PLANT प्लांट। विच पार्ट ऑफ प्लांट GROWS ग्रोज UNDER अंडर THE द GROUND ग्राउंड। जो प्लांट होता है उसका कौन सा पार्ट जमीन के नीचे होता है? तो आंसर आएगा हमारा ROT रूट। रूट मीन्स होती है जड़। सो थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम संगीता मैम, टीचर ऑफ फर्स्ट क्लास एट MLP स्कूल राजपुरा। डियर स्टूडेंट, आज हम हिंदी ग्रामर में प्रश्न उत्तर करेंगे बेटा, शब्द और वाक्य। ठीक है, शब्द और वाक्य किसे कहते हैं? ओके, प्रश्न नंबर फर्स्ट है हमारा, शब्द किसे कहते हैं? ठीक है बेटा, शब्द किसे कहते हैं? उत्तर, वर्णों के सार्थक समूह को। सार्थक मीन्स होता है सही। ठीक है बेटा, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे क प्लस ल प्लस स, वर्णों का समूह बिल्कुल ठीक है। तो हमारा शब्द क्या बनेगा? कलस। ठीक है, शब्द है कलस, बिल्कुल सही शब्द है। देखिए बेटा, जब वर्णों का क्रम सही होगा तो शब्द भी सही बनेगा। यदि शब्द वर्णों का क्रम सही नहीं होगा तो शब्द भी सही नहीं बनेगा। ठीक है, उसे हम शब्द नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहाँ पे वर्णों का क्रम सही है तो शब्द भी सही है। जब शब्द सही होगा तो उसका
अर्थ कुछ ना कुछ अर्थ जरूर निकलेगा, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट है से प्लस ले प्लस जे प्लस मैं शलजम, ठीक है, ये भी सब बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर सेकंड है वाक्य किसे कहते हैं। उत्तर शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक है, शब्दों के सार्थक समूह को या सार्थक क्रम को वाक्य कहते हैं। जैसे रमेश खाना खा रहा है, ये वाक्य बिल्कुल ठीक है क्योंकि इनमें शब्दों का क्रम बिल्कुल सही है तो हम इसे वाक्य कह सकते हैं। लेकिन यदि इस वाक्य में खा रहा है रमेश खाना ऐसे ये वाक्य लिखा होता तो ये वाक्य ठीक नहीं होता, इसे हम वाक्य नहीं कह सकते। लेकिन रमेश खाना खा रहा है ये वाक्य बिल्कुल सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट है राम बाजार जा रहा है, ये वाक्य भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि इसमें भी शब्दों का क्रम बिल्कुल सही है। ओके बेटा, देखिए मैं फिर से रिवाइज करा रही हूँ। प्रश्न नंबर फर्स्ट, शब्द किसे कहते हैं। उत्तर वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ओके, जैसे कलश सलजम। प्रश्न नंबर सेकंड, वाक्य किसे कहते हैं। उत्तर शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, जैसे रमेश खाना खा रहा है, राम बाजार जा रहा है। ओके, थैंक यू बेटा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर 6 इन साइंस, क्लासेस फर्स्ट। आवर चैप्टर नेम इज एनिमल्स होम्स एंड बेबीज, जो जानवरों के घर हैं और उनके जो छोटे बेबीज होते हैं उनके बारे में आज हम चैप्टर रीड करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है एनिमल लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, एनिमल हैव यंग वंस, जो जानवर होते हैं उनके अलग अलग जगहों के बारे में रीड करेंगे आज हम, और एनिमल्स हैव यंग वंस, जो जानवरों के छोटे बच्चे हैं उनके बारे में चैप्टर को रीड करेंगे। सो लिसन केयरफुली, लेट्स वी स्टार्ट। हेडिंग में दिया हुआ है बेटा एनिमल लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, एनिमल लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, जो जानवर है अलग अलग जगहों पर रहते हैं। डिफरेंट एनिमल लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट एनिमल लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जानवर अलग अलग जगहों पर रहते हैं। सम एनिमल लिव इन वाटर, कुछ जानवर पानी में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पे देखो आपको वेल और इनकी पिक्चर दी हुई है, तो सम एनिमल लिव इन वाटर, कुछ जानवर पानी में रहते हैं। अभी इन्होंने बताया है कि अलग अलग जानवर अलग अलग जगहों पर रहते हैं, तो आज हम चैप्टर में यही कर रहे हैं। अभी सभी जो जानवर हैं वो सभी के बारे में देखेंगे कौन जानवर कहाँ पर रहता है। तो अलग अलग जानवर अलग अलग जगहों पर रहता है। सम एनिमल लिव इन वाटर, कुछ जानवर पानी में रहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा सम एनिमल लिव इन लैंड, सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड, कुछ जानवर ज़मीन पर रहते हैं। फॉर एग्जांपल को आपको जिराफ की पिक्चर दी हुई है, और ये दिस ये जो जंगली बफेलोज होती हैं वो पिक्चर दी हुई है, जो कि एनिमल लिव इन ऑन लैंड, जो जानवर ज़मीन पर रहते हैं। ओके नेक्स्ट, सम एनिमल्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, कुछ जानवर ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी पर पानी में भी रहते हैं। लाइक दिस आपकी ये उसकी ये पिक्चर है जो क्रोकोडाइल्स एंड फ्रॉग्स की पिक्चर दी है। ये जानवर ये जो एनिमल्स होते हैं ये दोनों जगह पर रह सकते हैं, लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। ओके नेक्स्ट, सम एनिमल लिव ऑन ट्रीज, कुछ जानवर पेड़ों पर रहते हैं। जैसे पिक्चर में आपको दिखा हुआ है मंकी एंड स्क्वायरल, जो कि बेटा पेड़ों पर भी पेड़ों पर रहती है। ओके नेक्स्ट है आपका, सम एनिमल्स बिल्ड देयर ओन होम्स, कुछ जानवर अपने घरों का निर्माण करते हैं, खुद से ही करते हैं वो। सम एनिमल्स बिल्ड देयर ओन होम्स, जो कुछ जानवर होते हैं अपने घरों का निर्माण खुद ही करते हैं। इसमें दिए हुए हैं बी हाइव, जो मधुमक्खी होती है बेटा वो अपने जो घर बनाती है वो खुद से बनाती है। एंट हिल होती है,
एंट हिल जो चींटियां होती हैं उनकी जो पहाड़ी होती है एंट हिल। नेस्ट जो चिड़िया का घोंसला होता है वो भी वो खुद ही बिल्ड करते हैं। तो सम एनिमल्स बिल्ड देयर ऑन हाउस। ओके नेक्स्ट इज वी बिल्ड होम्स फॉर पेट्स एंड फॉर एनिमल्स। हम पालतू जानवरों और जो खेतों के जानवर होते हैं उनके लिए घर बनाते हैं, जिनमें दिया हुआ है आपको कैनल जो डॉग का घर होता है बेटा, डॉग्स हाउस, एक्वारिज्म जो जिसमें मछलियाँ रहती हैं, स्टेबल हॉर्स रहते हैं जिसमें, कूप जिसमें हैंस रहती हैं। ये हमारे द्वारा ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा एन एनिमल्स होम प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हीट कोल्ड रेन एंड अदर एनिमल्स। एक जानवर का घर इसे गर्मी, ठंड जो ठंडा होता है मौसम, एक जानवर का घर इसे गर्मी, ठंडी बारिश और अदर जानवरों से बचाता है। जो हीट गर्मी, कोल्ड ठंडा, रेन बारिश और अदर जानवर जो जंगली जानवर होता है उनसे बचाती है। एक जो जानवर का घर होता है, जो घर बना होता है, ये घर इनको गर्मी, ठंडा और बारिश और जो अदर एनिमल जो होते हैं जिनसे इनको खतरा होता है उनसे, इन घरों में रहकर ये सेफ्टी सुरक्षित रहते हैं एनिमल। एंड नेक्स्ट हो जाएगी एडिंग बेटा एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। जानवर और उनके जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बारे में हम आगे रीड करेंगे। सम एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस। कुछ जानवर छोटे बच्चों को जैसे दिए हुए इनके बेबीज इनको जन्म देते हैं। सम एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस। जो कुछ जानवर होते हैं वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। सम एनिमल लेज एग्स। कुछ जानवर अंडे देते हैं। यंग वंस कम आउट और हैच आउट फ्रॉम द एग्स। जो कुछ जो बच्चे होते हैं जो वो अंडे से बाहर आते हैं या उनसे बाहर निकलते हैं। नाउ मोर में बर्ड्स लेज एग्स इन देयर नेस्ट। जो पक्षी होते हैं बेटा वो अपने घोंसले में अंडे देते हैं। द एग्स आर सेफ इनसाइड द नेस्ट। अंडे घोंसले के अंदर सुरक्षित रहते हैं। ओके वी हैव डिफरेंट नेम फॉर डिफरेंट बेबी एनिमल्स। वी हैव डिफरेंट नेम्स फॉर डिफरेंट बेबी एनिमल्स। ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास जो अलग अलग शिशु होते हैं उन जानवरों के अलग अलग नाम होते हैं। जो हमारे पास जो जानवर है अभी पिक्चर दी हुई है इन सभी जानवरों के बच्चों के नाम अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे पपी दिया हुआ है, डोगी का बेबी होता है वो, यहाँ पे छोटा बेबी पपी होता है उसको बोलते हैं। जो डोगी का बेबी होता है उसको पपी बोलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा काल्फ। काल्फ हो जाएगा बेटा जो काउ बुल के बेबी होते हैं उनको काल्फ बोलते हैं। नेक्स्ट इज किटन। किटन हो जाएगा जो कैट का बेबी होता है उसको बोलेंगे हम किटन। नेक्स्ट हो जाएगा कब। कब हो जाएगा जो हमारा लोयन उनके बेबी होते हैं उनको हम बोलेंगे कब। नेक्स्ट इज चिक। चिक हो जाएगा इधर बेटा हैन का जो बेबी होता है उसको बोलेंगे हम चिक। लास्ट पिक्चर दी हुई है लैम्ब की। लैम्ब की पिक्चर, लैम्ब होता है जो शिप होती है उनके बेबी को बोलते हैं हम लैम्ब। ओके डियर स्टूडेंट्स अवर चैप्टर इज कम्प्लीट। रीड केयरफुली इन योर होम ऑन योर होम। ओके बेटा थैंक यू। हैव ए नाइस डे। हेलो डियर स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो वी डिड कम्प्लीटेड इंग्लिश स्पोकन सेंटेंसेस 20 to 24। ओके टुडे वी विल डू सेंटेंसेस 25 to 29। ओके क्लासेस फर्स्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश स्पोकन में कराएंगे आज हम आपको सेंटेंसेस। ओके डियर स्टूडेंट्स आपके हम अभी तक 1 to 24 कंप्लीट सेंटेंस करा चुके हैं बेटा, अब उसके बाद होंगे 25 to 29। ओके लेट्स वी स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स। 25 पे आपका हो जाएगा तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। गेट रेडी। गेट रेडी जी ई टी। गेट आर ई ए डी वाई रेडी।
गेट रेडी, तैयार हो जाओ, गेट रेडी। जब आप कहीं प्रोग्राम में जाते हो या स्कूल में सुबह जल्दी उठते हो, मम्मी उठाती है आपको, तब मम्मी कहती है बेटा स्टैंड अप, गेट रेडी स्कूल के लिए, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, गेट रेडी फॉर स्कूल। तो तैयार हो जाओ, गेट रेडी। ओके, नेक्स्ट इज जोर से बोलो, जे ओ रे जोर से इसे बोलो, जोर से बोलो। स्पीक लाउडली, एस पी ई ए के स्पीक, एल ओ यू डी एल वाई लाउडली, स्पीक लाउडली जोर से बोलो, स्पीक लाउडली। जब आप कोई भी वर्क होता है आपका या घर पे होता है स्कूल में, जब आप आंसर रीड करते हो, चैप्टर रीड करते हो या फिर आंसर बोलते हो, जब आप की आदत होती है छोटे बच्चों की, टीचर के सामने तो बहुत ज़्यादा स्लो बोलते हो आप, काफ़ी टाइम मैंने देखा भी है। तो बेटा स्पीक लाउडली, जोर से बोला करो, तो जोर से बोलो स्पीक लाउडली। आपके घर पर अगर कोई मेहमान भी आ जाता है तब भी आप बहुत ही स्लो बोलते हो, तो हमें कहीं पर एजिटेशन नहीं होना चाहिए, जोर से बोलो स्पीक लाउडली। तो जोर से बोलो हो जाएगा आपका स्पीक लाउडली, एस पी ई ए के स्पीक, एल ओ यू डी एल वाई लाउडली, स्पीक लाउडली। ओके, नेक्स्ट इज कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, एन ओ नो पी आर ओ बी एल ई एम प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अगर आपसे किचन में कोई, जैसे आपका पानी का गिलास है वो गिर जाता है, तो कई बार मम्मा क्या बोलती है, बेटा कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट इज मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो, आई के एन ओ डब्ल्यू नाउ, मैं जानता हूँ। जब आप कोई क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो आप यही बोलते हो, यस आई नो, मैं जानता हूँ। ओके, नेक्स्ट इज मेरी बात सुनो, मेरी बात, बात से उने ओ सुनो, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, एल आई एस टी ई एन लिसन, टी ओ टू एम ई मी, लिसन टू मी। आई रिपीट अगेन डियर स्टूडेंट्स, तैयार हो जाओ, गेट रेडी, तैयार हो जाओ, गेट रेडी। जोर से बोलो, स्पीक लाउडली, जोर से बोलो, स्पीक लाउडली। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। मैं जानता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। डियर स्टूडेंट्स, राइट डाउन 20 sentences 25 to 29 in your notebook, and writing should be neat and clean, and do always in cursive writing. Okay, beta, thank you, have a nice day.